सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। बेतरतीब पंचायत चुनावों की रणनीति के चलते कांग्रेस ने सुजानगढ़ व बिदासर पंचायत समिति से अपना कब्जा खो दिया है। भाजपा ने दोनों जगह पर कांग्रेस का गढ़ ढहाते हुए यहां पहली बार प्रधान बना दिए हैं। बिदासर से संतोष देवी प्रधान बनी है तो सुजानगढ़ में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की पत्नी मनभरी देवी भाजपा की ओर से पंचायत समिति की प्रधान बनी है। उन्होंने कुल 25 वोटों में से 14 वोट हासिल किए हैं। निर्वाचन अधिकारी धर्मराज गुजर ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी शारदा देवी मेघवाल के 11 वोट हासिल करने पर 3 वोटों के अंतर से मनभरी देवी को भाजपा की ओर से विजय घोषित कर दिया गया है। वहीं मनभरी देवी की जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न मानो फूट पड़ा और पंचायत समिति से ही खेमाराम मेघवाल के घर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए पहुंचे। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के घर कार्यकर्ताओं ने गुलाल अबीर लगाकर ढोल की धुनों पर नाचते गाते जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी नेता प्रहलाद जाखड़, पवन चितलांगिया, विष्णुदत्त त्रिवेदी, महावीर सिंह पार्वतीशर, मनोज पारीक, महेश जोशी, शंकर जिलोया, जगदीश प्रसाद सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के आवास पर पहुंचे। दूसरी ओर बीजेपी नेता कैलाश चंदैया, गौरव इंदौरिया, विजय पाल चाहर, राजकुमार तंवर, भवानी पारीक, सुशांत पारीक, महेश जोशी, सौरभ पारीक, गिरधरलाल बावरिया, कैलाश टूकिया, पोकर भाटी, जगदीश प्रजापत, रतनलाल खडोलिया, लाल चंडा का सालासर, खुशीराम चांद्रा, गोपाल पारीक, राजचंद्रनाथ, श्यामलाल बिडासरा, योगेश तैया, वैद्य भवनलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, एडवोकेट मनीष तादीस, निर्मल सिंगोदिया, रिशपाल बिजाणिया, मनीष तैया, राजकुमार बागड़ा, गणेश मंडावरिया, श्रीकांत ओझा, विक्रम भोजलई, मनोज डाका, हरिओम खोड, विजय बटेश्वर, शोभा कंवर, राधा प्रजापत, मदनलाल भारी, कमल दादीज, मदनलाल गुलेरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के घर पहुंचकर उन्हें गुलाल लगाया और खुशियां जाहिर की। दूसरी ओर नव निर्वाचित पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी कार्यकर्ताओं से घिरी नजर आई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त देखे गए। वहीं कांग्रेस के सदस्यों द्वारा वोटिंग के दौरान 11 वोट एक साथ गाड़ियों में सवार होकर आए और मतदान स्थल पर पहुंचे। दूसरी ओर कांग्रेस के वोट जब मतदान स्थल के अंदर थे तब बाहर भाजपा के नेतागण भी इकट्ठा हो गए और कांग्रेस के 2 मतदाताओं के बाहर नहीं निकलने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के बाहर काफ़ी देर तक हंगामा किया। पुलिस को DSP कैलाश कंवर, CI मनोज कुमार, छापर थानाधिकारी राकेश सांखला, सालासर थानाधिकारी महेंद्र कुमार आदि द्वारा मय जाप्ते के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पंचायत समिति के मुख्य गेट पर मौजूद रहे और कांग्रेस के 2 वोट बाहर नहीं निकलने पर काफ़ी देर तक हंगामा किया और पुलिस के साथ उलझन जारी रही। आखिरकार कांग्रेस के नेता दीवान सिंह बानेसरिया, मंत्री रहे स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल की पत्नी केसर देवी बाहर आए, तब जाकर मतदान स्थल पर शांति स्थापित हुई। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हुमेन चेन बनाकर अपने पंचायत समिति सदस्यों को मतदान स्थल के अंदर प्रवेश करवाया। करीब 4:50 पर भी एक महिला मतदाता वोट डालने के लिए पहुंची और मतदान संपन्न हुआ। वहीं कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच एक बच्चे को लेकर काफी विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि यह किशोर बच्चा एक महिला सदस्य का था। इस बच्चे को लेकर कांग्रेस व बीजेपी के नेतागण आपस में काफी देर तक एक दूसरे से उलझते नजर आए। आखिरकार शाम को करीब 5:15 के बाद उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने मतदान परिणाम घोषित करते हुए बताया कि बीजेपी के मनभरी देवी 3 वोटों से जीत गई है। तब जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जश्न फूट पड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। आपको बता दें दिन भर पंचायत समिति के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बार बार मुख्य रास्ता होने के कारण ट्रैफिक भी जाम होता रहा। बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट करने के लिए।
पंचायत समिति सुजानगढ़ में प्रधान पद का निर्वाचन संपन्न करवाया गया है। निर्वाचन शांतिपूर्वक रहा। निर्वाचन परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया है, जिसमें बीजेपी ने 14 मत प्राप्त किए व कांग्रेस ने 11 मत प्राप्त किए। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार श्रीमती मनवरी देवी को 3 मतों से विजयी घोषित किया गया और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। धन्यवाद।